तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे वोडाफोन का इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कैसे करें। जहां दोस्तों अगर आप विदेश जाने वाले हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा दोस्तों कि आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर ले अपने होम टाउन से। जहां दोस्तों अगर आप बाय द वे विदेश जाने के बाद अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो भी एक्टिवेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हो सकता है मे बी आपके नंबर पर नेटवर्क ना हो उस कंट्री में जाने के बाद, देन दोस्तों आपको एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अच्छा ये होगा दोस्तों कि आप अपने होम में रह के ही, अपने मुल्क में ही रह के इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर ले जाने के 2 दिन 4 दिन या 1 दिन पहले भी दोस्तों आप एसएमएस कर सकते हैं। सिंपली आपको टाइप करना है मैसेज बॉक्स में ACT space IR, सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए। देन दोस्तों आपको सेंड कर देना है 144 पे, 144 पे सेंड कर दी दोस्तों। 24 से 36 घंटे में आपका इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट हो जाएगा। देन दोस्तों आप कहीं भी इंटरनेशनल रोमिंग में अपना वोडाफोन का सिम यूज कर सकते हैं। बस आपको मंथली 99 का रिचार्ज करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप 99 का रिचार्ज करते हैं तो दोस्तों आपका सिम एक्टिवेट रहेगा और सिर्फ इनकमिंग फ्री रहेगा। जहां दोस्तों वो भी सिर्फ SMS कॉल आके आपको चार्जेस लगेंगे। आपके नंबर पे मिनिमम ₹200 का बैलेंस होना चाहिए। देन दोस्तों आपके नंबर पे इनकमिंग भी रहेगा लेकिन सिर्फ कॉल ही आ पाएगा, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिसीव करते हैं दोस्तों तो आपको जो चार्जेस है ₹30 से लेके लगभग ₹150 तक का चार्ज है इंटरनेशनल रोमिंग में। आप अगर इनकमिंग कॉल रिसीव करते हैं तो आउटगोइंग के भी अलग चार्जेस हैं, हर कंट्री का अलग अलग है दोस्तों। बस आपको दोस्तों 99 का रिचार्ज करना है सिर्फ इसलिए कि आपका नंबर एक्टिवेट रहे। अगर आपको वहां पे यूज करना है इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग के लिए, देन दोस्तों आपको IR पैक लेना होगा, इंटरनेशनल रोमिंग पैकेजेस लेने होंगे दोस्तों। बहुत सारे पैकेजेस हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप विदेश पहुंच चुके हैं, जिस कंट्री में आपको जाना था वहां आ चुके हैं, उसके बाद भी दोस्तों अगर अभी तक आपने इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां से भी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस है, आपको ACT space IR टाइप करना है कैपिटल लेटर में, उसके बाद दोस्तों 144 पे सेंड कर देना है। सेंड करते ही दोस्तों आपके एक नंबर पे भी 24 से 36 घंटे में इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जो एक्टिवेशन मैसेजेस आ जाएंगे आपके नंबर पे। बाय द वे दोस्तों अगर आपके नंबर पे नेटवर्क नहीं है देन तो आप कर नहीं पाएंगे एक्टिवेट दोस्तों। इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों, आपको कस्टमर केयर से बात कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज, यहाँ पे मैंने कस्टमर केयर का नंबर दे दिया है, गुजरात का, महाराष्ट्र का, बिहार का, यूपी का, सब स्टेट का अलग अलग नंबर है कस्टमर केयर का दोस्तों। टोल फ्री नंबर है, अगर आप अपने वोडाफोन के नंबर से बात करेंगे कस्टमर केयर से तो टोल फ्री है, आप फ्री में बात कर पाएंगे दोस्तों। बाय द वे अगर आपके नंबर पे नेटवर्क नहीं है तो आप तो कॉल कर नहीं पाएंगे। देन दोस्तों आप जिस कंट्री में वहां के लोकल नंबर से भी कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। सिंपली आपको +91 लगा देना है, देन दोस्तों कॉल कर सकते हैं। आपको बस आपका जो ISD चार्ज है, जो भी आपको इंटरनेशनल रोमिंग चार्जेस है, वो आपको देने होंगे, यानी बिल लगेगा आपको बात करने का कस्टमर केयर से। देन दोस्तों आप बात करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप SMS सेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप जो आपके नंबर पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं, सारी चीज़ें दोस्तों आप कस्टमर केयर से बात करके आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप दुनिया के किसी भी कोने में वोडाफोन का सिम यूज़ कर पाएंगे। बस आपको इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर लेना है, देन दोस्तों आप आसानी से किसी भी कंट्री में यूज़ कर पाएंगे। बस एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है कि अगर आपको सिर्फ एक्टिवेट रखना है तो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमें बस अपना नंबर एक्टिवेट रखना होता है, हमें यूज़ नहीं करना है, बस हमें एक्टिवेट रखना है, चालू रखना है। इसके लिए दोस्तों आप मंथली सिर्फ 99 के रिचार्ज करके भी अपने नंबर को एक्टिवेट रख सकते हैं सालों साल। जहाँ दोस्तों बस यूज़ करना है, अगर आपको आपको इनकमिंग चाहिए, आउटगोइंग चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए आपको IR पैक लेना होगा। मैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, IR पैक भी दोस्तों आपको 500 से लेके 5000 और 15000 तक का भी है। तो जहाँ दोस्तों मंथली के 15000 तक का भी है दोस्तों, आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से रिचार्ज कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है तो। नहीं दोस्तों अगर आपको एक्टिवेट रखना है तो सिर्फ 99 का रिचार्ज करना है मंथली IR इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करने के बाद। दोस्तों बस इतना ही, इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो भेजिएगा, आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।